हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए मैं बात करूंगा फ्रेंड्स आज आपसे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी और लिमिटेशंस के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हमने आपके लिए दो वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें आपके लिए कराया था। फर्स्ट वीडियो में था आपके लिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स निकालनी है, किस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स में लगती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज बताई थी मैंने आपके लिए और कैसे कैसे हम इसमें यूज कर सकते हैं उन शॉर्ट टिप्स का, ठीक है। सेकंड वीडियो जो मैंने डाली थी आपके लिए, उसमें बताया था एग्जांपल्स कुछ कि किस तरीके से हम उन वैल्यूज को जो मैंने बताई थी फर्स्ट वीडियो में उनका कैसे यूज किया। और आज हम करेंगे टोटल ओवरऑल सबका मिक्सअप, जिसमें कोई सी वैल्यू हमें नहीं पता, ना ही हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्यूशन है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जैसे NDA, SSR, AA और एयरफोर्स में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो वाइस में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट दे रखी है आपके लिए x → 1 और बोल रखा है इसकी वैल्यू हम फाइंड करना है। तो हमारे पास जैसे इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी 0.0 की फॉर्म, जो कि क्या होती है, अनिधार रूप होता है। जब अनिधार रूप होती है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब DL हॉस्पिटल लगाएंगे। तो DL हॉस्पिटल लगाएंगे इसमें, तो पहले जानते ही हैं आप DL हॉस्पिटल कैसे लगाया जाता है। ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। तो करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का क्या होगा, 0 होगा। लॉग का क्या था, लॉग एक्स का हमारे पास 1/x और -1/, यहाँ करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 + 2x, ये कंडीशन हमारे पास आती है निकल के। तो जब आपके सामने इस टाइप की कंडीशन आएगी निकल के, तो गाइस जाहिर सी बात है इसे आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर कंडीशन आएगी इस तरीके से, और नीचे अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ, मतलब इस वाले 2 को, तो 2 और ये वाला x आ गया नीचे, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे तरीके से आ रहा है। ये आएगा इस तरीके से, अब ये कट जाएगा आपस में, तो वो आएगा 1/1, तो देख सकते हैं 1/1 आया ये। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो जैसे इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या है, माइनस का 1/2। अब माइनस का क्यों आया है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो एल जो आया था, हमारे पास वैल्यू आई थी ऊपर क्या था, इस तरीके से था, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे था हमारे पास वो किस तरीके से था, वो इस तरीके से था, और नीचे हमारे पास इस तरीके कॉमन था। तो गाइस जब इसे पलटेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है, इसे प्लस का माइनस का चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आता, तो हमारे पास जो आंसर आया था माइनस का 1/2 आया। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारा आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसकी मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू आपके लिए बताई थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैंने बताई थी, इसकी वैल्यू 1 होती है जब लिमिट आपके सामने 0 दे रखी है। तो ये फ़ायदा होता है अब डायरेक्टली आंसर फाइंड करने का। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कैसे आई इसकी 1, तो हम आपको बता सकते हैं कैसे आई थी। तो देखिए, एक्स का एक्सप्रेशन e की पावर एक्स का एक्सप्रेशन करना जानते हैं क्या होता है, 1 + x + x² / (2) + x³ / (q) सो ऑन आता रहता है -1/x। तो 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, यहाँ आया 1 हमारे पास यहाँ पे x था, तो x कॉमन ले लेते हैं एक बार को, जो x कॉमन लेंगे तो ऊपर से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + x / (2), मतलब इस तरीके से कॉमन लेके कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली काट दिया था अभी आपके सामने, सो ऑन इस तरीके से आता जाएगा। और नीचे क्या था, x, तो x से x अब कट जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये तो सब 0 हो जाएंगे, बाकी टर्म पीछे वाली, हमारा आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से 1 आता है, इसलिए आप याद रख लीजिए डायरेक्टली स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, इसकी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर इसमें गाइस हम लिमिट पुट करते हैं डायरेक्टली, तो गाइस देख सकते हैं इसकी वैल्यू आती है 0.0 की फॉर्म में, जो कि क्या होती है, एक अनिधार रूप होता है। तो इस टाइप की कंडीशन होती है तो हमें क्या करना होगा, देखिए जब इस टाइप की कंडीशन आपके सामने दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसका DL हॉस्पिटल लगा देंगे इसमें भी। तो DL हॉस्पिटल लगाएंगे, देखो इसका तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, अब देखते हैं डायरेक्टली इसका करते हैं, इसका होगा 1/(x-3), ठीक है, 1/(x-3), ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। और 2 आएगा, क्योंकि 2 भी तो आएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, इसको मैं लिखूंगा तो यही तो लिखूंगा, अगर अंडर रूट होता तो क्या होता था, 1/2 करते थे हम इस चीज़ को, तो यही लिखना होगा, इस x की पावर 1/2। तो इस तरीके से ये आया हमारे पास, डिफरेंशिएट कर लिया। अब नीचे वाले का करेंगे तो नीचे वाले क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है, 2x आया। तो देखिए अगर मैं 2x यहाँ पे जो वैल्यू आई है गाइस, तो मैं इसे सही तरह से अरेंज करता हूँ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरीके से निकल के आएगा, 1/(-1/2) यहाँ पे था, 2 और 2 = 4 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, तो 4√, और जो यहाँ x आया था किसका, और यू x-3, ये हमारे पास कंडीशन आई थी। अगर इसमें हम मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो लिमिट अप्लाई करते हैं हमारे पास जो आंसर आएगा गाइस, वो आंसर क्या आएगा, 1/56। आप खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें बोल रखा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा।
तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर इसने वैल्यू पूछ रखी है और मैंने आपके लिए कुछ, तो देखिए गाइस कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए। मैंने आपके लिए कंडीशन बताई थी, अगर आपके सामने लिखा हुआ है e की पावर x अपॉन यहाँ लिखा हुआ है x और बोल रखा लिमिट x टेंड टू जीरो, तो इस पर इसकी मैंने वैल्यू बताई थी आपके लिए log a के इक्वल होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है, जो ये वैल्यू लिखी हुई है, हम देख पा रहे हैं कि नीचे हमारे पास ऊपर चलो साइन x तो है लेकिन नीचे साइन x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे मैं लिखूँगा ए साइन x अपॉन साइन x अपनी तरफ से लिखा और बी साइन x माइनस वन अपॉन साइन x से डिवाइड किया। तो देख सकते हैं अगर मैं इसे सही तरह से मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो साइन से साइन कट जाएगा ये वाला, तो इसीलिए हमने देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। तो देख सकते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी log a और इसकी वैल्यू हो जाएगी log b, तो log a अपॉन log b, तो आंसर आता है हमारे पास log a अपॉन log b। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले कराया, इससे मतलब जो आपके लिए फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें बताया था कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया था, जब आपके सामने इस अपॉन की फॉर्म में होता है, अगर वैसे इसे चेक करते हैं अगर लिमिट पुट करते हैं तो जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आएगी, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा अनिधार रूप हो जाता है। जब अनिधार रूप हो जाता तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सिमिलरली जो दे रखी है आपके सामने इस टाइप का जो क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले जो सेकंड वीडियो डाला था उसमें बताया था प्लस a माइनस एक्स, इससे ऊपर नीचे में क्या करूँगा डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने माइनस का साइन तो यहाँ प्लस लेना पड़ा है हमें, बस यही करेक्शन किया और कुछ नहीं किया। तो ऊपर नीचे करेंगे क्या बन जाता है a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही कंडीशन बन जाती है। तो हमारे पास जो आंसर आता है कुछ निकल के इस तरीके से आता है a प्लस एक्स माइनस का a माइनस, जो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इधर, और यहाँ नीचे आएगा x प्लस a माइनस एक्स, ये आया। अब इसे सॉल्व करते हैं x से ये कट जाएगा और यह आएगा 2x और 2x की वजह से एक x यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास आया 2 अपॉन ये टर्म आएगी। अगर गाइस अब इसमें पुट करता हूँ मैं इसकी वैल्यू जीरो लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट की वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 अपॉन, हमारे पास वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी 2 अपॉन 2 अंडर रूट ए, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आंसर आता है 1 अपॉन अंडर रूट ए। तो जाहिर सी बात है गाइज आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकला, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसकी, इसने पूछा डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी जिसमें बताया था कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पर अगर आपके सामने दे रखा है प्लस लैम्डा ई सॉरी लैम्डा एक्स और बोल रखा है पावर एक्स वन अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी ई होती थी, ठीक है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कैसे करेंगे इसे देखिए गाइज मेरा गला ख़राब है थोड़ा, तो आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही बोल रहा हूँ बहुत धीरे धीरे। वन माइनस इसे मैं कर सकता हूँ प्लस और लिख देता हूँ लैम्डा की जगह, मतलब इस तरीके से लिख लूँ इसे और कर देता हूँ, आप देख सकते हैं सेम वही फॉर्म बना दिया मैंने। तो हम क्या बोले थे e की पावर लैम्डा आ रहा था उसका आंसर, तो बोलेंगे इसका आंसर क्या आएगा e की पावर माइनस का a। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, तो गाइस समझ पाए होंगे इसका आंसर कैसे फाइंड किया हमने। तो हमारे पास जो हमने आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई बताई हैं उनका कुछ मतलब है नहीं, आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें बोल रखा है आपके सामने e की पावर सॉरी 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n होल पावर बोल रखा है 1 अपॉन एन, तो इसका मान पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे हल करेंगे इसे। जो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर कॉमन लेता हूँ मैं 4, तो 4 कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, जैसे 4 कॉमन लिया यहाँ से तो हमारे पास बचता है 1 प्लस, इसे बोल सकता हूँ 3 अपॉन 4 पावर होल पावर, इस तरीके से बोल सकता हूँ, और होल पावर जो दे रखी है मैंने वो दे रखी है, इस तरीके से लिख सकता हूँ इस चीज़ को। तो इस चीज़ को मैंने इस तरीके से लिख लिया, तो आगे से और सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी तो कुछ इस तरीके से आएगी 4 1 प्लस 1 अपॉन, इसे पलट के और रख दिया मैंने इस तरीके से और पावर कर दिया आपके सामने ये। तो गाइज अगर इसमें अब लिमिट पुट करता हूँ तो जैसे ही लिमिट पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी इसकी, तो जैसे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो हमारे पास ये बनेगी फॉर्म 4
वन प्लस वन अपॉन इन्फाइनाइट और यहाँ बनेगा वन अपॉन इन्फाइनाइट। और मैंने बताया था आपके लिए जब इन्फाइनाइट से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है जीरो। क्या आती है? जीरो। तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू जीरो पावर, ऐसे यहाँ जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा गाइस। जब पूरा जीरो हो जाएगा तो आप जानते हैं वन की पावर जीरो, अब जब जीरो किसी की पावर होती है इसका मान क्या होता है? वन होता है। तो फोर बन जाए फोर, तो हमारा आंसर आया फोर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, लिमिट थीटा बोल रखा है, लिमिट थीटा टाइम्स टू पाई अपॉइंट टू, और इसने बोल रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इसमें लिमिट डायरेक्टली पुट कर देता हूँ तो डायरेक्टली पुट करते हैं हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो आएगी 0.0 की फॉर्म, जो कि क्या होगा? एक अनिधार रूप होगा जो कि गलत होगा, इससे फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, इस टाइप की कंडीशन जो दे रखी है आपके सामने इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो डीएल हॉस्पिटल लगाते ही हम देख पाएंगे कि ऊपर क्या आएगा, माइनस का वन आएगा, और यहाँ आप जानते हैं कॉस थीटा की, जो कॉट थीटा की जो होता है हमारे पास क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस से माइनस करके प्लस हो गया। आप देख सकते हैं जब माइनस माइनस करके प्लस हो गया, अब इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ पूरे को साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आया लिमिट जो दे रखी है पाई अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास जो आया, मतलब थीटा की रिपोर्ट करेंगे पाई बाई टू, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वन आएगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन फाइव बाई टू की वैल्यू वन होती है, तो हमारा आंसर वन। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए की पावर कॉट एक्स माइनस ए की पावर कॉस एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, ढंग से समझिएगा गाइस। अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ ए एक्स, सॉरी ए की पावर कॉस एक्स, ए की पावर कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए की पावर कॉट एक्स माइनस का कॉस एक्स। जब हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे ए की पावर कॉस एक्स कॉमन ले लिया है तो ठीक है, और यहाँ बनेगा माइनस का वन अपॉन। अब नीचे देख पा रहे हैं आप, नीचे जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, वो कंडीशन दे रखी है हमारे पास, वो क्या दे रखी है, हो या कहते लिख देंगे हम, इसमें कुछ करेक्शन नहीं करेंगे जो नीचे दे रखी है इसमें। तो जैसे हमारे पास ये करेक्शन नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे ही रखते जाएंगे, तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है, तो इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या निकल के आता है, एक सेकेंड देखिए, ये कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, ए की पावर कॉट एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन, और अपॉन में सेम यही कंडीशन थी जो पावर में दे रखी है, ठीक है। और जो हमारे पास जो हमने कॉमन ले रखा था, क्या लिया था, ए कॉस एक्स कॉमन लिया था बाहर, तो गाइस ए कॉस एक्स हमने बाहर कॉमन लिया था। अब इसकी वैल्यू ये क्या है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है कॉट एक्स कॉस, तो गाइस जब मैंने एक कंडीशन बताई थी आपके लिए, जब इस तरीके इस फॉर्म में होता है कोई भी, देख सकते हैं ये है, इसे मान लो एक्स और इसे टोटल को मान लो एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपके लिए, जब आपके सामने इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो कि ए की पावर एक्स माइनस और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो दे रखी हो, तो इस कंडीशन पे क्या होता था इसका मान जो होता था गाइस, वो मैंने बताया था आपके लिए वन होता था, ठीक है, क्या होता था, वन होता था। तो देखिए जब हम पता इसकी वैल्यू क्या होती है, वन के इक्वल होता था, जब इसकी वैल्यू वन आती है गाइस, तो हमारे पास बचता है शेष एक्स और ये वन हो गया। तो गाइस अब लिमिट जो दे रखी, लिमिट दे रखी थी एक्स टेंड टू पाई अपॉन टू, तो पाई अपॉन टू अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ए आएगी, क्या निकल के आता है, ए निकल के आता है इसका आंसर। लेकिन हम जब बात कर रहे थे, जब इसकी वैल्यू तो हमें पता ए निकल के आएगी, लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो ई की पावर एक्स होती थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी ए की पावर कॉस एक्स, मतलब कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स था, ठीक है, लेकिन यहाँ ए की पावर था, तो ए की पावर में था, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर आना था वो आएगा, उसकी वजह से लॉग ए आया, लॉग ए, और जो हमने बताई आपके लिए ए की पावर अगर पुट करूँगा मैं कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है, जब जीरो पुट करूँगा ए की पावर, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू वन, और ये आएगा लॉग ए। और लॉग ए क्यों आया, क्योंकि गाइस उसका आंसर जो आता था हमारे पास ये आता था लॉग ई, मतलब ई बेस तो होता ही हमेशा, लॉग ई आता था, जब किसका आंसर, जब ये हमारे पास जो कंडीशन होती थी ए की पावर एक्स इस तरीके कंडीशन होती थी, तो इसका आंसर ये होता था। हम डायरेक्टली वन क्यों रखते थे, क्योंकि आप जानते हैं लॉग ई बेस पर जब ई होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डायरेक्टली इसकी वैल्यू हमने तो रट्टा मार रखा, क्या है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि वन होता है, लेकिन जहाँ ए होता है तो जो कॉन्स्टेंट होता है गाइस, वो कॉन्स्टेंट यहाँ आता है लॉग के साथ में, तो लॉग ए आया इसकी वैल्यू। तो देख सकते हैं हमारा आंसर, देखो ये भी था,
अगर आप मिस्टेक कर सकते थे, लेकिन हमारा जो मेन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो और बोल रखा है इसका मान क्या होगा। तो इसका मान कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा गाइस, जब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, ढंग से समझिएगा। इसे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने वन माइनस कर दिया इसमें से, और इसे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ और वन ही इसमें प्लस किया था तो हमने कॉमन ले लिया। आप इसे ब्रेक करके देखेंगे तो जैसे इसे आप ब्रेक करेंगे तो आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा कि ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, वन से वन कट जाएगा और वही कंडीशन आ जाएगी दे रखे ऊपर। और नीचे हमने क्या किया, जो नीचे और एक्स से डिवाइड कर लिया अपॉन e की पावर x माइनस वन अपॉन x से हमें इसे डिवाइड किया। और आप जानते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही कंडीशन आएगी जो क्वेश्चन दे रखा है। अब ये कंडीशन आएगी हमें पता है, ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा था 0.0 की फॉर्म आ रही थी जो कि क्या होती है अनाधार रूप होता है, इसलिए हमने क्या किया इस तरीके से ब्रेक कर लिया। तो आप जानते हैं इसे अलग अलग डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कंडीशन बनेगी a की पावर x माइनस वन माइनस बी एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स, अलग अलग डिवाइड कर लिया नीचे और नीचे दे रखा था अपॉन इस तरीके से। अब लिमिट एक्सटेंड, अभी मैं जस्ट बात कर रहा था आपसे कि जब इस तरीके की कंडीशन हो जैसे ये है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग ई बेस पर ई, मतलब लॉग ई बेस पर ई होता था आंसर। तो लॉग जब बेस समान होता है उसका आंसर क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो लिमिट अगर अप्लाई करूँगा इसके साथ अलग लिमिट रखो, इसके साथ लिमिट रखो, इसके साथ भी लिमिट रखो, तो इसका आंसर तो क्या होगा डायरेक्टली वन होगा, इसका होगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हमारा जो आंसर आएगा मैन क्या आएगा, इसका तो आया लॉग ए माइनस का लॉग बी और नीचे आया ये बी है, ये आया लॉग ई पर ई, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली वन हो गई थी। तो देख सकते हैं ये क्या है, लॉग ए माइनस बी, तो इसे लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। तो लॉग ए अपॉन बी लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसमें आप लिमिट अप्लाई करते हैं गाइस तो आपको ये भी आंसर इसका क्या आएगा, 0.0 की फॉर्म आएगी। लेकिन गाइज आपको पता हो तो बता दें, आपके लिए इसमें दिख रहा होगा आपको इसके वैल्यू, उसने बोल रखी पहले से वन दे रखी है। तो ए का मान पूछ रहा है गाइज, तो ए का मान पूछ रहा है। अब ए का मान इसमें किस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब उसने पूछा है कि ए की वैल्यू क्या पुट कर दें इसमें जो हमारा आंसर इसका जो माइनस का वन निकल के आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइज इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसके लिए सॉल्व करने के लिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाले का, मतलब डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ए की पावर एक्स लॉग ए माइनस, इसका क्या हो जाएगा, जब आप जानते हैं ए की पावर एन होता तो क्या होता था, ए इंटू ए माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ओके, अब नीचे देखते हैं, नीचे ऐसे करेंगे तो इसका अगर लॉग एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स का करते हैं तो हमारे पास ये लॉग लेके आप करिएगा, तो लॉग लेके जैसे करेंगे आप तो इसका आंसर जो आएगा आपके सामने इसी तरीके से आएगा, एक्स की पावर एक्स और आगे 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 ये जो कंडीशन आएगी वो आएगी लॉग वन प्लस लॉग एक्स, इस तरीके से आएगा। क्योंकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली वन हो जाए, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट नंबर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इसमें क्या करना है, जब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो लिमिट अप्लाई करिए आप इसमें सेम इसी कंडीशन में, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए की पावर ए लॉग ए, ये क्या था यहाँ पे, ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर ए माइनस वन अपॉन, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ए की पावर ए वन माइनस लॉग वन प्लस लॉग ए, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। जब इस तरह की कंडीशन आ गई, अब हमें क्या करना है, ये कंडीशन तो हमारे पास आ गई, अब देख लीजिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो पावर्स जुड़ेंगी ऐड होंगी, तो हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर ए आ जाएगा यहाँ भी, तो ए की पावर ए यहाँ भी आएगा, ए की पावर ए यहाँ दे रखा है तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होएगा, तो ए की पावर ए कॉमन लिया तो हमारे पास बचा लॉग ए माइनस का वन और अपॉन में बचा ए की पावर ए यहाँ बोल रखा था वन प्लस लॉग ए। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हमारे पास कंडीशन आती है, तो ये कट गया आपस में और उसने वैल्यू थी इसकी वैल्यू क्या बोल रखी थी, वन बोल रखी थी माइनस का, तो माइनस का वन इसके कॉलम पुट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देख सकते हैं आप इसका आंसर क्या निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर फाइंड करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा निकल के हमारे पास आंसर वन। देख सकते हैं, खुद ट्राई कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है इसे सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है हमारे पास कि जो अगर इसे अलग अलग ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है जो फाइंड नहीं हो पाएगा। तो सबसे इसके लिए करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं टेन, तो टेन कैसे कॉमन ले सकता हूँ, जैसे टेन कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ बचेगा वन माइनस, यहाँ देखो
टेन कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस का नीचे कर दिया, तो देख सकते हैं क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा टेन, तो आगे यहाँ कॉस बचेगा, तो कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यू, मतलब यहाँ एक्स निकाल रखा हमने कॉमन, एक्स क्यू नीचे आया, ठीक है। अब देख सकते हैं ये कंडीशन बनती है, जब ये कंडीशन बनती है तो आपको और सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, और आगे सॉल्व करने के लिए देखो टेन एक्स अपॉन एक्स तो हम रख लिया, अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर बचा हुआ है इसे क्या करूँगा, अब देखो इसे कंबाइंड करूँगा, जो हमारे पास लिखा हुआ था वन माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ था, तो उसको मैं कंबाइंड करूँगा, इसे मर्ज करूँगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा होगा साइन सॉरी टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर तो बचा हुआ था ही, जो एक्स स्क्वायर बचा हुआ था हमने क्या किया, टू का फोर का मल्टीप्लाई नीचे कर लिया, फोर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, क्यों किया, अब देखिए क्योंकि ये बनाएंगे हम, इसे क्या बना देंगे इस कंडीशन को, इसे बना सकता हूँ एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, और एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इस पूरे का कंबाइंड करके इसका आंसर हो जाएगा वन, और इसकी वैल्यू भी वन, तो जब इसकी वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पे वन वन हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगी टू अपॉन फोर बचा था, तो इसका आंसर क्या आया वन अपॉन टू, तो जाहिर सी बात है मैं इस करता हूँ, समझ गए होंगे आप, उसे कॉपी पे करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बोल रखा है लॉग एक्स माइनस ए अपॉन लॉग एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ए, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इसे डी एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो डी एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ आएगा अपॉन इसका ऐसे करेंगे तो इसका भी क्या आएगा वन अपॉन ए, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो दोबारा से यहाँ ई की पावर, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे जहाँ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी निकल के क्या आएगी, ये माइनस एक आएगी, आप मल्टीप्लाई में समझिएगा, तो हमारे पास जो कंडीशन आई निकल के वो आई हमारे पास अपॉन नीचे आया अपॉन में एक्स माइनस का ए और ई पावर एक्स, ये कंडीशन निकल के आई, जब ये कंडीशन हमारे पास फाइंड हो गई तो आप देखिए इसमें से कुछ और कर सकते हैं हम, इसमें कुछ और हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो कुछ बनता है कि नहीं बनता, देखिए देखिए इसमें आप जब से लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करिए, यहाँ ए आएगा तो ये आएगा जीरो, तो यहाँ भी जीरो, तो ये अपॉन जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे फिर दोबारा से डी एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो डी एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर एक्स ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या था ई की पावर ए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ई की पावर एक्स हो गया ऊपर पावर, और नीचे आएगा जब इसे अलग अलग डिवाइड किया, अलग अलग किया तो हमारे पास ई की पावर एक्स इंटू जो हमारे पास यहाँ पर कॉमन था, जो हमारे पास जो कॉमन टर्म थी वो क्या थी, x माइनस ए थी प्लस, अब इसका करूँगा मैं तो हमारे पास बचेगा e की पावर x, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर लीजिए, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ तो बन जाएगा जीरो, क्योंकि x की वैल्यू इधर जो लिमिट दे रखी है क्या दे रखी है, x टेन टू a दे रखा है, ये तो जीरो बन गया पूरा टर्म, यहाँ बचेगा e की पावर a और e की पावर a, e की पावर e से कट जाएगा तो हमारे पास आएगा वन, देख सकते हैं हमारा आंसर निकल के आया वन आया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है फिर सबसे पहले आप लिमिट पुट करके देखेंगे, लिमिट पुट करके अगर हमारा आंसर सही आता तो ठीक है, नहीं आता तो हम क्या करेंगे डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल लगा लीजिए इसमें, जैसे डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो आएगी हमारे पास फोर साइन थीटा फोर साइन एक्स मतलब और कॉस एक्स, ठीक है, अब इसका करूँगा जैसे इसका करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा प्लस कॉस एक्स, वन का जीरो होता है, सिमिलरली नीचे करूँगा सेम कंडीशन आएगी एक्स कॉस एक्स माइनस का थ्री, ये कंडीशन हमारे पास फाइंड हो गई, तो ये कंडीशन जैसे हमारे पास निकली अगर इसमें अब लिमिट अप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे हमारा फाइंड हो जाता आंसर, तो ठीक नहीं तो हम क्या करेंगे कुछ ऐसी कंडीशन देखेंगे कि हमारा जिसका आंसर फाइंड हो जाए, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से अगर कॉस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो जैसे कॉस कॉमन लूंगा ऊपर से और नीचे देखते हैं अगर हमारे पास यहाँ भी यहाँ देखो इसका करूँगा तो यहाँ भी तो बचेगा कॉस एक्स भी तो आएगा यहाँ पे, तो देखिए कॉस एक्स ऊपर से कॉमन लूँगा कॉस एक्स नीचे से कॉमन लूँगा तो हमारे पास बचता है जैसे कॉस एक्स कॉमन लेगा कॉस से कॉस तो कट जाएगा ऊपर से जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो कंडीशन बचेगी बचेगी फोर साइन एक्स प्लस वन अपॉन नीचे बचेगी फोर साइन एक्स माइनस का थ्री, ये कंडीशन बचती है हमारे पास, जब ये कंडीशन बचती है तो इसमें देखिए अगर इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ अभी तो जैसे लिमिट अप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है आप जानते हैं पाई अपॉन सिक्स दे रखा है पाई अपॉन सिक्स, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी पाई अपॉन सिक्स की वैल्यू क्या होती है साइन पाई पाई बाई सिक्स मतलब होती है पाई अपॉन वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे टू प्लस वन, ठीक है, और नीचे अगर इसमें पुट करूँगा तो यहाँ भी क्या आएगा तो आपका आंसर निकल के आ रहा है क्या निकल के आ रहा है टू निकल के आ रहा है, ठीक है,
देख सकते हैं हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, टू निकल के आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया आई थिंक, माइनर सा। हाँ, ये फोर माइनस का थ्री करेंगे, तो फोर माइनस करके थ्री, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वन माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ थ्री था, तो अगर लिमिट अप्लाई कर दिया तो हमारा देखो टू प्लस वन अपॉन जो नीचे कंडीशन आ रही थी, क्या आ रही थी, टू माइनस का थ्री। हाँ गाइस, यही आ रही थी, तो थ्री अपॉन यहाँ आएगा माइनस का वन, तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस का थ्री आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्या आएगा आंसर इसका, माइनस का थ्री। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जिधर रखा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, लिमिट देखेंगे। सबसे पहले लिमिट दे रखी है एक्सटेंड टू जीरो, तो इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे इसे टैकल करना है, देखो इसमें डी एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, तब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ इसके लिए, कि आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसको एक्सप्रेस करना होगा, एक्सप्रेस करने के बाद तब इसका आप डी एल हॉस्पिटल लगा लीजिए, तब आपको और आसानी रहेगी। तो गाइस, आपको ऐसे ही सॉल्व करते जाने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं और वीडियो आपके लिए इस पर प्रोवाइड की जाए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, और हम आपको ज़रूर कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमने आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा था, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।